हाँ जी, मेरी सत श्री अकाल सारे मेरे भैन भरावां नूं इत्थे जिहड़े आए हैं। अपना टाइम मैनूं तुसीं दे रहे हो, मैं तुहाडा ज़्यादा टाइम नहीं लैना। मैं तुहानूं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहनी हाँ। मेरा नाम है मिसिज सुमन धूर। मेरा नाम है मिसिज सुमन धूर। मैं अमरीका च रहनी हाँ। मेरे घर वाला डॉक्टर है उत्थे। मैं अज इत्थे तुहाडे सब लोगों की हैल्प लैन आई हाँ। मैं नवजोत सिंह सिद्धू की वड्डी सिस्टर हाँ, जिहड़ी उस तो 13 साल वड्डी हाँ। असी दो भैणां ते इक भरा, जिहड़ा हमेशा कहिंदा है। मेरी भैन उस तो 16 साल वड्डी सी, जिहदी डैथ हो गई 13 दे विच। जदों मेरी भैन मरी, ओदियां अखां पूरियां काम नहीं सी करदियां, बीमार सी। वह अपनी कुड़ी कोल होशियारपुर रहिंदी सी, वह विडो सी, वह मीडियोकर सीगी। वह चंडीगढ़ों गड्डी विच आ रही सी अपने जवान पुत्तर नाल ते अपने कुड़ी दे घर वाले नाल, ते नाल उहदी कुड़ी दा मुंडा जिहड़ा स्पैशल नीड बच्चा है, वह ऑटिस्टिक है, उहदे नाल उह आ रही सी। ते उहनां दी गड्डी हुशियारपुर दे कोल आ के ट्रक दे थल्ले चली गई, ते तीनों जणियां दी उत्थे ही सड़क ते डैथ हो गई। इहनूं खबर मिली मेरे भरा नूं, जीन जोगे नूं। इहदे कोल टाइम नहीं सी 2 मिनट भी अपनी भैन की लाश देख लैंदा। उह 3 बंदे जिहड़े सड़क ते पई सी, इह नहीं गया, कोई नहीं गया उत्थे। मेरा भांजा ते मेरी भांजी का घर वाला ते उहदा बच्चा जिहड़ा ऑटिस्टिक है, स्पैशल नीड बच्चा, उहनूं पता नहीं किवें गड्डी चों कढ़िया। मैं दूजे दिन इत्थे आई अमरीका तो उस टाइम चढ़ के, ते मेरी भांजी ने मैनूं दस्सिया भी उहने 3 बंदियां नूं दाग उहने लाया कुड़ी होके, उहदे कोल कोई नहीं पहुंचिया। ओ मैनूं कहिंदी मासी, मैं तेरी वेट नहीं सी कर सकदी, क्योंकि उन्हां दा बचिया एक अख नहीं सी, उस ट्रक दे थल्ले चले गए सी सारे। ए नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं अज इत्थे तुहाडे कोल इस लई आई हाँ, अपनी मां दे लई न्याय मंगन, जस्टिस मंगन। तुसी प्रेस वाले हो, मैं प्रेस दे विच बहुत बिलीव करदी हाँ, क्योंकि मैं उस कंट्री च रहनी हाँ जिथे प्रेस की बहुत पावर है, और प्रेस दुनिया के अगे जनता के सामने सच्चाई लिया हमेशा। मैं इन बिलीव करदी हाँ, इसलिए मैं तुहाडे लोगों को आई हाँ। मैं बड़ी कोशिश की, मैं 20 जनवरी इत्थे 13 जनवरी नूं आई सी। मैं 20 जनवरी इहदे कोल अमृतसर गई, मैनूं पता लगा किसी तो भी उत्थे है, क्योंकि मैनूं इन्हें ब्लॉक किया होया। मैनूं मेरे कोई टैलीफोन का जवाब नहीं, कुछ नहीं, वट्सअप कुछ नहीं। मैनूं पता लगा, मैं उत्थे गई भी मैं इहदे नाल गल करके, मैं इहदे नाल गल करा, शहरी की कर रहे बेटा, थोड़ी अकलमंदी करिए आप अपना। मैं अपना चक्का ना चक्का, मैं अपना ढिड ना नंगा करा, पर इन्हें मैनू अंदर नहीं बढ़न दिता। मैनू घर के गेट तो अंदर नहीं मैं जा सकी। मैनू कह दिता गया भी तुसी अंदर नहीं जा सकते। मैं उत्थों वापस आ गई, तो हुण मेरे कोई चॉइस नहीं, तां मैं तुहाडे लोकां कोल आई हां।
तुहानू मटीरियल इत्थे पिया मेरे कोल जिहदे करके मैं आई हां। तुसी सारे लै सकदे हो, मैं दित्ता होया उहनां नूं, बाद च तुसी सारे लै सकदे हो। 1980 से मेरे फादर की डेथ हुई 1986 विच, ते इन्हें मेरी मदर नू उस तो बाद भोग तो बाद इन्हें क्लीयर करता भी तेरा इत्थे कख नहीं है, तेरा इत्थे कख नहीं है। जेड़ा घर उन्हें आपने ते उहदे घर वाले ने अपने खून पसीने नाल कमाया सी। मेरे माँ प्यो अमीर नहीं सी शुरू तो, बड़ी जद्दोजहद देखी है, असी देखी अपनी माँ नू नौकरी कर दे ते उहदे साइकल पिछे मैं ते मेरी भैन इकला तिद्दर करके बहिंदियां हुंदियां सी। अगे उहदे टोकरी हुंदी सी, उह सानू स्कूल छड के आंदी सी ते शाम नू लै के आंदी सी। मेरे फादर पटियाले अपना लॉ करदे हुंदे सी ते इक छोटे जे कमरे च रहिंदे सी ते साइकल ते मैं उहनूं जांदे देखिया कचहरी, फिर उस तों बाद टुटे हुए स्कूटर ते जांदे देखिया उहनूं। सो उह घर जिहड़ा उहनां ने अपनी मेहनत नाल बनाया सी, इन्ने कहता तू इत्थे नहीं रह सकदी, तेरा इत्थे कख नहीं है। उह चुप कर गई, उहने नहीं इहनूं कुछ कहा। मैं इन्हू रिक्वेस्ट की उदो, मैं क्या शहरी बेटा ऐदा करो, मेरी माँ अपनी माँ को जाएगी, उदे कोल होर कोई जगह नहीं, उदी माँ लुधियाने रहिंदी सी बिडो। मैं क्या बेटा गड्डी भेज दे ताकि मेरी माँ की इन्नी इज्जत आ जी अपने दोनों की माँ की, भी पटियालों आई है पुत ने गड्डी च भेजे अपनी माँ। कहना नहीं, इहदे लई कख नहीं है, ये पैदल जाए, ये बस च जाए, ये गड्डी नहीं है। वो गड्डी 46-55 मैनू अज भी याद है, चिट्टी अंबैसडर पहली गड्डी जिहड़े मेरे माँ प्यो दी सी। और बठिंडे तो एक मेरे फादर दे दोस्त सी जिन्हां ने उन्होंने लोन लेके दिता सी उस गड्डी लई। मैं क्या ठीक है बेटा, जिद्दां तू खुश है, मेरी माँ ने कहा जिद्दां ही खुश है बब्बी। मैं सुबह 6 बजे उठ के अपनी माँ नू पैदल मैं लेके गई, जिथे सानू रिक्शा मिली रिक्शा लेके मैं उन्हें बस चढ़ा के आई। उस तो बाद मेरी माँ ने इस तो कदी नहीं कुछ मंगया, ना आसी कदी पैना ने कदी कह दे भी मेरे तो एक धेला भी मंगया। इन्हें 1987 विच बयान दिता इंडिया टुडे नू भी मेरे माँ प्यो की जुडिशियल सैपरेशन हुई हुई सी। जदों तक मैं 2 साल दा, मैं नहीं पता मेरिया भैनां ते माँ, आ मैं फोटो दिखा रही हूँ तुहानू, ये 2 साल दा लगता तुहानू? तुसी दस दो, ये असीं भैनां, ए मैं, असी दो भैनां, मेरा प्यो, आ मैं, आ मेरी भैन है इधर। आ मेरे फादर है, आ शहरी है, आ जिहड़ा पिछे सरदार बंदा है मेरे ताया जी दा मुंडा जी दे व्याह ते फोटो लिती गई है, अमरजीत सिंह सिद्धू। ये 2 साल दा है, हो सकता है मेरी अखां भुलेखा पैंदा होए। तुसी बाद विच इहदी जिन्नी मर्जी फोटो लै लियो, मैं इत्थे रख जू, मैं इत्थे फोटो रख जानी है, तुसी लै लियो इहदी फोटो सारे जाने जिद्दा भी लैनी। सो इन्ने जिहड़ा बयान दित्ता है, मेरी माँ इहदे कोल गई लुधियाने तो इहनूं पुछण भी शहरी आ की है तू झूठ क्यों बोल रहा है। ये कहना मैं नहीं कहा मम्मी, ये किसी होर ने कहा।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੂੰ ਕੋਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੈਪਟੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ। ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਵਾਰਸ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ? ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਣ ਜੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਸੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੰਮਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਈ ਰਹੀ 4 ਮਹੀਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਮੋਸ਼ੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਸਕੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ,
ते सानू दिता। कदी इस तो पैसा तो नहीं किसी ने मंगे नू पुछो। और मेरी पांजी ने जद मैनू किया मैं फिर आर्टिकल लभना शुरू किया भी मैनू कितों मिले, क्योंकि मैं प्रूफ लियाना चाहती सी तुहाडे सब दे सामने। मैं शहरी नहीं हाँ जिहड़ा जो मूँह चाहे बोली जावा, मैं वह नहीं हाँ। मैं हर चीज़ का सबूत है मेरे को जो कुछ मैं कह रही हूँ, मैं उही नहीं बोलना। वो मैनू आर्टिकल बहुत देर बाद जाके लभा, उहदी कॉपी है, वह भी तुहानू सब नू मिल जाएगी जो इन्हें कहा। जदों वो आर्टिकल मेरे को आया मैं फिर इन व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, शहरी तो बहुत क्रूअल है जो कुछ तो अपनी फैमिली नाल कर रहा, कभी तो सोचा तू की कर रहे हैं? इहदा कोई जवाब नहीं। सो मेरे को फिर मैं जदों मिलन गई हाँ 20 जनवरी ने, इन्हें दरवाजे नहीं खोले। हुण मैनू नहीं समझ आती मेरे को होर की रस्ता है, भी मैं अपनी माँ दे लई उहदे दाम ते जिहड़े इन्हें धब्बा लाया है, मैं वो किद्दां क्लीयर करा? मेरे को एक सिर्फ प्रेस तुसी लोग हो जिहड़ी मेरी मदद कर सकदे हो इहदे तो आंसर लैण च, मैनू प्रूफ देवे जिहड़ा इन्हें किया, एक एक चीज़ का तुहानूं प्रूफ देवे जो इन्हें किया। जदों भी तुहाडे सामने आंदा मैं इहदी देखदी हुंदी हाँ नैट ते, कई वारी कॉन्फ्रेंसिस इहदे नाल 10 क बंदे बैठे हुंदे आ, तुहानूं सब नूं पता ढेर लग्या हुंदा कागज़ां दा, आह देखो जी प्रूफ लाने लई, आह देखो जी मैं तुहानूं प्रूफ दिंदा, आह देखो इन्ने साल पुराना प्रूफ तुहानूं दिंदा सारिआं नूं। हुण तुसीं प्रूफ दवो, मंगो उस तों जिहड़ा तुहानूं दिंदा हमेशा प्रूफ लियाओ, प्रूफ दवो। जे मैनूं दवा सकदे हो मेरी माँ दे लई न्याय, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के बेनती है तुहानूं सामने, तुसीं प्रेस हो, तुसीं इहनूं बनाया इहदा परसोना, क्योंकि तुहानूं पता नहीं सी ये की है, मैं तुहानूं दोष नहीं दे रही। तुसीं इहदा हर अक्षर जिहड़ा इहने कहा तुसीं उहनूं बाय कीता भी इह सही है, क्योंकि असीं अज तक कदी बोलियां नहीं। मैं 70 साल दी हाँ, मेरे लई बड़ा औखा है गल करनी, मेरी फैमिली दी गल है, पर ये मेरी माँ दा सवाल है, मेरे माँ प्यो दी इज्जत दा सवाल है, जिदे करके मैनू ये स्टैप लैना पिया तुहाडे लोगों दे सामने। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, जे इहनूं कोई भी गल है, इतराज है, कुछ भी है, तुहाडे लोगों के सामने मेरे नाल डिबेट करने तैयार हाँ, कल्ले नाल नहीं। हुण टाइम चला गया, मैं बड़ी कोशिश की भी मेरे कल्ले नाल तू गल कर ला पुत्रा, मैं इहनूं शहरी पुत कहनी हाँ, मैं ते मेरी भैन ने कदी इहनूं भरा नहीं किया, इह साडा पुत्ता वर्गा बड़ा किया इहनूं शहरी पुत, ना करे तां थोड़ा जिहा सोच ला, तेरे तो कुछ मंगदा नहीं कोई, एक कह दे एक बारी भी मेरी माँ ने या भैन ने एक धेला भी मंगया, हाँ इन्हू कोई चीज़ की लोड़ हो, इन्हें मैंने कहा मैंने भेजी है। जो चीज़ भेजदा फिर ये व्हाट्सएप पर मैसेज आ, यू आर अ जैम दीदी, उदो मैं जैम हो गई, उंज मैं घर नहीं बैठ सकती, ठीक है। सो मैं बेनती कर रही हूँ तुहाडे नाल, ते नाले मैं पंजाब दियां सारियां मावां भैणां नूं अपील करदी हाँ, मेरी माँ चली गई, मेरी भैन चली गई, तुसीं सारियां मेरियां मावां भैणां हो, जिथे किते तुहानूं मिलदा प्लीज़ इहनूं पुछो तू अपनी मावां भैणां नाल की कीता, क्यों कीता? एक पैसे पिछे, एक पैसे पिछे तू अपनी माँ नूं उहदा राइटफुल हक ना देना पए तां तू झूठ बोलिया? ओए पैसे पिछे तू ऊ अपनी माँ नूं कह दिंदा, अपनी भैणां नूं कह दिंदा भी मैनूं पैसे दी बहुत भुख है, मैं तुहानूं नहीं देना कुछ भी, असीं तेरे तों वार के सुट दिंदी हां शेरी, असीं हुण वी तेरे तों वारिया होया, सानूं नहीं चाहिदा तेरा पैसा,
ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਉਹ ਜੀਨ ਜੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਤਾਂ ਡੈਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਡੈਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰੂਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰੂਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰੂਫ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੂਫ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।